तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो अभी हम आ चुके हैं इस वाले फार्म पे, और छुटकू मेरे साथ आया हुआ है और महाराज भी आ रहे हैं। ये देखो, ये रहे। सो ये दोनों इस फार्म पे आए। सो महाराज अपने छुटकू कल भी आया था, बाकी छुटकू आज भी आ चुका है, और महाराज आज ही आए, इससे पहले अभी तक कहीं कभी नहीं आए। सो इनको आज अच्छे से इधर घूमने देंगे। सो यही भी मौज करेंगे। सो बाकी इनका यहाँ का गोबर हटाना है, फार्म की करनी है सफाई, बाकी इन सबको आज ही फार्म पे ही चारा मिलेगा, चरने को नहीं जाने वाले ये। सो यहीं पे हम चारा डालने वाले हैं इनको, बाकी कर लेते हैं सफाई, बाकी फिर यहाँ पे चारा डालेंगे। ये अपने सामने मकई है। सो आज मकई निकालने वाले भी आने वाले, तो यहाँ पर सब लोग रुक जाएंगे, तो फिर इनको चराने के लिए कौन ले जाएगा। सो इनको यही चारा डालना है, बाकी उस वाले फार्म की पूरी सफाई हो चुकी है, बाकी वहाँ का सब काम कंप्लीट है। सो करते इस काम को भी कंप्लीट, बाकी निकालनी है आज मकई। तो इन दोनों को यही घूमने देते मस्ती से। ये देखो, ये अब यही से घूमेंगे, बाकी सिर्फ वो कागज़ पे मन ना जाए, क्योंकि कागज़ फट सकता है इनके पैरों के नीचे दब के। सो चलो करते अपना काम कंप्लीट। तो अभी हमने इन सबको चारा डाल दिया अंदर में, बाकी ये रहे बाहर, तो इनको भी चारा डाल चुका है सभी को, ये भी खाएंगे, दोपहर को पिलाना रहेगा पानी। तो वेट करते हैं अभी मशीन कब तक आता है मकई निकालने के लिए। तो चलते हैं उस वाले फार्म पे। तो भाई ये जो ट्रॉली के खम्भे, जो खम्बा ये वाला, तो इसमें ऊपर से चारा और कुछ मिट्टी गिरने की वजह से यहाँ पे और लकड़ी डाल रहे हम ऊपर से, वो जा नहीं रही। तो छोटा भाई और चाचा जी यहाँ की जो गंदगी है वो निकाल रहे, तो फटाफट सभी यहाँ की निकाल लेते हैं हम। तो भाई मशीन आ चुका है मकई निकालने का, तो ये देखो लोग भी काम पे लग चुके हैं, और अभी इनका रेट है मकई निकालने का 80 रुपये एक क्विंटल का। तो सभी लोग वर्कर उन्हीं के है, तो अपना काम है सिर्फ जो ट्रॉली में मकई गिर रही उसको पीछे खींचने का, तो अपने को और कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो लोग उन्हीं के है तो वही करेंगे सब कुछ काम। तो अभी देखते हैं अपनी मकई कितने टाइम में पूरी निकल पाती है। अभी अपनी एक ट्रॉली भर चुकी है मकई की, देख सकते हैं आप पूरी भर गई है, और अपनी दूसरी ट्रॉली अभी लग रही है, तो उसमें आ जाएगा अपना इतना ही मक्खी बचा है। तो देखते हैं कितनी भरती है कितनी नहीं। ये अपना मशीन है, यहाँ पर अपना चारा भी इकट्ठा हो रहा है, सीधा अंदर अपना ये मक्खी का आ चुका है। अभी हमने मकई निकालना शुरू किया था, पत्थर लगाया था अपनी जूनी ट्रॉली है, तो और अचानक से मशीन में से आवाज़ आने लगा, तो चेक कर रहे कि आवाज़ किस वजह से आया है। तो अभी खोलेंगे मशीन को, अंदर ऐसा होता है, तो हमें लगता है कि पत्थर भी हो सकता है उसके अंदर, मकई डालते समय पत्थर भी जा सकता है, तो चेक करेंगे अभी खोल के। तो भाई हमने अभी मशीन खोल ली है, तो इसमें ना कुछ आवाज अचानक से आने लगी, तो एक ट्रॉली मक्की निकल गई एक के लिए आवाज आने। सो अभी देख रहे हो यहाँ पे टच हो रहा, बहुत जोर से आवाज आने लग गई थी, सो अभी चेक कर रहे हो कि भी क्या हुआ है।
यहाँ पे ड्रम ही टूट गया जिससे मकई का दाना नीचे जाता है वो वाला ये पीछे में। सो अभी उसको क्या करते क्या पता, आधा अधूरा काम अपना अटक चुका है। सो बाकी इतना मकई इस ट्रॉली में आ पाया और एक ट्रॉली हमने भर के वहाँ सामने खड़ी की है और इतना मकई अपना बच गया है और काम में कुछ टूट गया है। सो अभी इसको करते हैं रिपेयर या कुछ और। अभी यहाँ से ड्रम निकल लिया है, आपको दिखाते हैं ड्रम के अचानक से दो टुकड़े हो चुके हैं। पता चला है तो यहाँ पर वेल्डिंग करने के ले जा रहे हैं गांव में। अपना काम अभी आधा अटक चुका है, यहाँ पर मशीन भी खुला हुआ पड़ा है तो देखेंगे कब तक आते हैं वेल्डिंग करा कर, तब तक के लिए अपना काम भी कर लेंगे अपने बैलों को खाए को चारा पानी कर देंगे, पानी पिलाना बाकी है, चारा तो सुबह से खा रहे हैं, पूरा छाव में भी बांधने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर बहुत धूप आ चुकी है और अपनी एक ट्रॉली मकई निकल चुका है। गांव में से ड्रम को वेल्डिंग करके ला चुके हैं, अभी उसे अंदर बिठाना है। सब पाना खोल के रखा है, भाई बिठा रहा है ड्रम को। अभी बिठा दिया है ड्रम को, अभी पाना लाकर टाइट कर लेंगे फिर अपना काम फिर से चालू हो जाएगा। तो देखते हैं कितना समय लगता है अभी चालू करने के बाद अपना उतना सारा मकई निकाल जाएगा। तो अपने मकई निकालने का काम वापस से शुरू हो चुका है, तो देखेंगे कि अपने मकई कितने आते हैं या कि ये ट्रॉली भर पाती है या फिर नहीं। ये ट्रॉली तो भरी हुई है लेकिन इतने में तो हो चुका होता है, लेकिन अपने मशीन में ही ख़राब आ गई। तो कोई बात नहीं, जो आदमी बहुत है तो काम जल्दी से हो जाना चाहिए। तो भाई अपना मकई पीछे खींच रहा है ट्रॉली में और मकई अपने ट्रॉली में इकट्ठा हो रहे हैं। अपना आज का मकई निकालने का काम पूरा हो चुका है, तो देखेंगे कि अपना मकई कितना है। तो अभी ट्रॉली तो खाली रह गई है, अगर ट्रॉली फुल भर जाती तो 70 क्विंटल से ऊपर आता, लेकिन अभी फुल नहीं भरी है तो आएगा तो पता ही चल जाएगा आप सभी को। तो मशीन तो अभी बंद करेंगे, तो अपने मजदूर लोग बैठने के लिए जा चुके हैं पानी पीने के लिए और एक भाई है वो अपना सामान रख रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपने मकई साफ़ सुथरे हो चुके हैं और अच्छे निकले, और आप देख सकते हैं मोटे दाने हैं, तो देखेंगे इसका भाव क्या मिलता है। अपने पूरे मकई निकल चुके हैं और अभी अपने मशीन वाले भाई भी जा रहे हैं, तो भाई बाकी के भाई पीछे बैठे मशीन पर, अभी अपने वो सारे काम पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है वो भी करेंगे। तो अपने जो दोनों ट्रॉली थी वो हमने यहीं पर खड़ी कर दिए, तो देखेंगे इनका क्या करना है। तो ये दोनों सुबह से खुले थे, तो अभी इनको बांध दिया मैंने और खुरा कर दी क्योंकि अभी ये बड़े हो रहे, सो इनको खाना देना ज़रूरी है। सो पूरा दिन खुले रहेंगे तो मांस रहेगा तो खा नहीं पाएंगे, तो अभी मैंने बांध दिया और खुराक रख दी उन दोनों को। बाकी इन सब का काम कम्प्लीट कर लिया है, महाराज खुले है, उनका कोई काम ही नहीं कुछ करने का। बाकी अपनी गाय आराम से खड़ी, उनका भी काम कुछ करने का कुछ ज़रूरत नहीं अभी। बाकी हम मकई निकाल के सारी ले आए, सो अपनी इतनी मकई आ चुकी है। बाकी ये रही एक ट्रॉली अपनी भर चुकी मकई की फुल ये वाली, और इसमें कुछ बाकी बचा है। सो अभी हम दोनों में का एक ट्रॉली में करने वाले इस नई वाली में। सो अपने वाली ये है, सो ये हमने पड़ोसी से मांग के लिए कि भाई हमें एक दिन के लिए दे दो। सो हमें पता नहीं था कितना आएगा, सो हम इसको इसमें अभी खाली करेंगे और इसको यही रहने देंगे, ये जाएगी कल मार्केट।
सो अभी भाव क्या मिलता है क्या पता। सो इसमें उस वाली मकई को इस वाली में डाल लेते फटाफट और एक ट्रॉली बना लेते। तो इतनी ट्रॉली अपनी मकई की भरी हुई है, इतना अपने को बेचने का है मकई। और मकई को हमने इस ट्रॉली में शिफ्ट करके यहाँ लगाई है, बाकी जो थोड़ी मकई बची है जो उसी ट्रॉली में मतलब बची नहीं थी हमने बचाई है, क्योंकि वो अपनी गायों को लगती है। तो हमने बाकी मकई निकाल ली गायों के लिए और बची उसमें डाल दी। बाकी महाराज यहाँ पे ये यह दो यहाँ पे और इन बच्चों को इस जगह शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉली लगनी थी। तो चाचा जी और पिताजी जो बाकी बचे पाल और कागज़ है उसको समेट रहे, और अपनी गायों का भी सब काम कंप्लीट कर लिया हमने उनका। अभी चारा भी डाल चुका है सूखा, क्योंकि इस टाइम अभी सूखा ही मिलेगा उनको, हरा चारा सुबह मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे हमने पत्थर रख के ऊपर से कुछ लकड़ियाँ डाल के इसको ढक भी दिया है, जो इस ट्रॉल में हमने जो मक्की बची थी वो वाली, जिससे बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए रात को। और इस मक्की को हम अपनी गायों को खुराक के साथ देंगे, जिससे अपनी गायों का दूध और बढ़ जाएगा। तो हमारी मकई ख़त्म हो चुकी थी, तो ये नई वाली मकई अब आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी सब काम आज का कंप्लीट हुआ है, और इस गाय भी रिकवर हो रही है, थोड़ी बाकी है, और इसका पेट भी थोड़ा बाकी है नीचे में, तो वो भी रिकवर हो रही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी। सो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।